ये हम समझते हैं कि जब इंडिया में कोई भी कंपटीशन होता है, जैसे ये जॉब के लिए है कंपटीशन असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के लिए, ये कंपटीशन में आप टोटल सीट्स के लिए फाइट नहीं करते, आप अपनी कैटेगरी के लिए फाइट करते हो। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके सब्जेक्ट और कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आपकी कैटेगरी की जो हैं वो आपको डिस्करेज या इनकरेज कर सकती हैं। ठीक, ये पॉसिबल है, लेकिन डिस्करेज होइए मत। आप टीचर हो, आपने नेशन को मोटिवेट करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, होइए मत। कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, वो समझ नहीं आ रही, अगर आप समझा सकते हो तो वह। मैं इसका रिस्पांस ऊपर कमेंट बॉक्स पर इसलिए नहीं दिया, काफ़ी लंबा होना था, बड़ा जब टाइप करना पड़ता है बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका छोटा सा वीडियो इस बात को समझाने के लिए जो आपकी पोस्ट्स हैं उसकी डिवीजन जो है वो कैसे हुई है उसको समझते हैं। अच्छा, इसको माइनस ही करते हैं। ये रही हमारे पास जो हमने, मैंने वो एग्जांपल ली है इंग्लिश की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट 154 इसकी हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको समझ, देखिए ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। जैसे मुझको समझ आया है, मैं बहुत ही नलायक स्टूडेंट भी रहा हूँ और टीचर भी रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको क्लियर करने की। हम फॉर एग्जांपल जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि सर ये नहीं समझ आ रहा कि जनरल कैटेगरी और जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल फीमेल ईडब्ल्यूएस, ये सीट्स कहते डिवाइडेड हैं। देखिए सिंपल है, जितनी टोटल सीट्स हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर 50% आपकी जनरल की सीट बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल 50% अगर बनती भी हैं तो 50% ये 76 ये सीट हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4 ये वाली। ठीक है, तो हाँ ये भी एक डिबेट चल रही है कि ये जो डिवीजन ऑफ सीट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू थोड़ी इसमें गड़बड़ है, ये बात अभी चल रही है, उससे कि कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ले आप फोकस कीजिए कि आपने कंपटीशन में कैसे लड़ना है, अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। ये वीडियो इसलिए है, अगर आपको मोटिवेशन मिलती है, समझ भी चाहिए। अच्छा, ये डिवीज़न है, सबसे पहले अगर इसको समझना है मेरे हिसाब से यहाँ लिखते हैं कि ये बना ली हमने एक डिवीज़न। ठीक, इस डिवीज़न में ये हो गए ब्लॉक, यहाँ हो गया जेंडर, मेल फीमेल है ना, मेल और फीमेल, ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल। ठीक, और यहाँ लिख लिया हमने इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस वीक और इकोनॉमिक स्टेटस स्ट्रांग, सिंपल समझना है, गरीब और अमीर। ठीक, ये टोटल किसकी बात हो रही है, ये सारी ही जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, रिजर्वेशन नहीं है। ये जो जनरल के आगे डिवीजन हुई है ये जनरल कैटेगरी की आगे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है। वो उसके दो वेरिएबल हैं, रिसर्च भी आप यहां से समझ सकते हो। ये हो गया वेरिएबल, ये हो गए दो लेवल, और ये हो गया वेरिएबल, ये हो गए उसके दो लेवल। वेरिएबल वो होता है जिसके मिनिमम टू लेवल ओके होते हैं, जो वेरी करता है, चेंज हो सकता है। अच्छा, तो अब ये देखना है कि ये बचा जनरल फीमेल ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस को अगर आपने समझना है, मेरे पास ये डेफिनेशन भी पड़ी है, आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। EVS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मीन ए बिलो पॉवर्टी लाइन वाले तो बीच में आते ही हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी वेरी करती है। कितनी इनकम वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, ये समझ लीजिए, ये सेपरेटेड फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC क्लासेस एंड ST कैटेगरी, ये उनमें नहीं आते। इट मीन्स ये जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं, जनरल कैटेगरी में जो फीमेल हैं उनकी रिजर्वेशन है। ये रही। अच्छा, सबसे पहले एक मिनट,
सबसे पहले ये देखेंगे कि जनरल फीमेल ईवीएस। अब ये देखिए, ये जनरल के ही सारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए ये होगी फीमेल, ओके, और ईवीएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये ब्लॉक इनका बनता है। इनकी कितनी सीट्स है देखेंगे, जनरल फीमेल जो गरीब हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, कोई गरीब नहीं होता, अच्छा यहाँ से अमीर बनना है, फाइव, ये बन गई फाइव पोस्ट इनकी। इन पांच पोस्ट पर कब्जा इनका ही रहेगा, ये मेल नहीं इधर जा सकते, याद रखना है, ये वाले इधर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ठीक, ओके। सेकंड कैटेगरी क्या है, जनरल फीमेल। जनरल फीमेल कितनी है, जनरल फीमेल है 17, यहां आ गई 17 जनरल फीमेल। अब ये इधर नहीं जा सकते, पर ये इधर आ सकते हैं, डिपेंडिंग के कौन से कितने कैंडिडेट हैं, इट मींस ये इनके लिए रिजर्व है, ये पांच इनको मिलेंगी। आपके लिए अगर आप फीमेल हो, आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है वीकर सेक्शन का, तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक। तीसरा जनरल ईवीएस, ठीक, जनरल ईवीएस, ये रहा जनरल ईवीएस। ये नेचुरली बचते कौन है, ज्यादा पर मेल ही बचेंगे, कितनी सीट्स हैं इनकी, 10, ये बची 10 सीट्स। याद रखना है कि ये जो वीकर हैं और मेल बचते हैं, कोई भी हैं, यहां पर फीमेल नहीं है, ये कोई भी हैं, ठीक, ये फीमेल भी वैसे हो सकती हैं, ये बाकी जो बचते हैं उनकी ये सीट्स हैं। ये वाले जो स्ट्रांग और मेल बचे हैं, स्ट्रांग और मेल बचे हैं, ये किसी और तरफ नहीं जा सकते, लेकिन ये कोई भी इस तरफ आ सकता है, ठीक, क्योंकि मेल की कोई रिजर्वेशन सीधी कहीं भी नहीं है। तो ये बचते हैं 44, ये वाले बचे 44, ठीक। ये वाले ना इधर जा सकते हैं, ना इधर जा सकते हैं, ना इधर जा सकते हैं, हाँ, लेकिन ये वाले इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, हाँ, अगर फीमेल है, नेचुरली वो फीमेल की कैटेगरी में नहीं जाती, तो वो मेल की कैटेगरी में आ सकती है, लेकिन मेल जो है फीमेल की कैटेगरी में नहीं जा सकता, मेल वीकर सेक्शन में नहीं जा सकता, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो, अगर आप मेल हो, आप वीकर सेक्शन से नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से नहीं रिलेटेड, तो आपकी ये बनती है आपकी पोस्ट, इनके लिए आपने फाइट करना है। तो ऐसे ही बाकी आप समझ सकते हो, शेड्यूल्ड कास्ट और फीमेल मोस्ट कम्प्लेक्स, सभी को ये लगा था, इस एग्जांपल को देख के आप कैटेगरी अपनी देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट में क्या बचता है। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी और सब्जेक्ट में पूछा था, जिन्होंने मेरे से पूछा था, वो अपने इस ब्लॉक में उसको पुट करके देख सकते हैं कि मैं किस ब्लॉक में लाई करती हूँ या करता हूँ, और मैंने किसके लिए फाइट करना है। डिस्करेज मत होइए, प्लीज़ मत होइए, अपना कर्म कीजिए, नहीं तो गीता सार लिख के ना, कैलेंडर है वो सामने रख लीजिए, हर हर कर्म का फल मिलता ही मिलता है। सिस्टम को दोष है, दोष हजारों दोष हैं, मैं खुद भी जानता हूँ, लेकिन अब टाइम है, मेहनत कर लीजिए, जैसे भी प्लानिंग होती है, जैसे भी सिस्टमेटिकली आपसे पढ़ा जाता है, जो स्ट्रेटजी मैं बता सकता हूँ, अगर सिलेबस जब आ जाता है तो फिर सीधा ही टीच करना शुरू कर दूंगा, तो आप जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।